हेलो गाइस, आपको वेलकम हमारे चैनल द कोचिंग पॉइंट में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर 5 के क्वेश्चन गाइस। देखिए पहले हम लोग सॉल्व करेंगे 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1। आइए गाइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए गाइस क्वेश्चन पढ़ते हैं, देख सकते हैं हम। देखिए पढ़ते हैं 2 का। देखिए एक्स अनुपात ए बराबर वाई अनुपात बी बराबर जेड अनुपात सी होने से हम लोग को ये दिखाना है गाइस। देखिए एक्स क्यूब बट्टा ए स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बट्टा बी स्क्वायर प्लस जेड क्यूब बट्टा सी स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यू ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। गाइस देखिए हम लोग को निकालना है स्क्वायर। देखिए पहले निकाल दें, यहाँ पर मैं लिखते हैं एक्स बटा ए बराबर वाई बटा बी बराबर जेड बटा सी। इसमें हम लोग के माने गाइस। देखिए यहाँ पर जेड लिखे अच्छा से, तो यहाँ इसमें देखिए के मानेंगे, यहाँ पर के माने। देखिए गाइस यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए एक्स आ गया हम लोग का ए के और देखिए वाई का मान आ गया हम लोग का बी के और जेड का मान आ गया हम लोग का सी के। ओके गाइस देखिए, देखिए गाइस सॉल्व करेंगे। आइए यहाँ पर लिखते हैं, पहले ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड के। यहाँ लिखते हैं एल एच एस बराबर, देखिए क्या चाहिए हम लोग का यहाँ पर है। यहाँ देखिए क्या चाहिए हम लोग का यहाँ पर, मतलब देखिए एक्स का हम लोग का ए के का क्यू बट्टा यहाँ पर होगा ए स्क्वायर प्लस वाई का हम लोग का चाहिए है, हम लोग वाई है बी के का क्यू बट्टा यहाँ पर होगा बी स्क्वायर प्लस हम लोग का जेड का। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पर है जेड का सी के का क्यू बट्टा सी स्क्वायर। देखिए होगी गाइस, यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखिए इंटू करेंगे, मतलब देखिए यहाँ पर क्यू है, मतलब ये हो गया ए के इंटू के क्यू बट्टा में ए स्क्वायर प्लस इसका भी सेम होगा, मतलब यहाँ होगा बी क्यू इंटू के क्यू बट्टा में बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर सेम होगा तो यहाँ होगा सी क्यू इंटू के क्यू बट्टा सी स्क्वायर। ओके गाइस देखिए होगी यहाँ पर। अब देखिए मैं काटेंगे, यहाँ देखिए दो यहाँ तीन वो एक दो कट गया, यहाँ पर देखिए सेम यहाँ पर होगा, यहाँ कट गया दो गो, यहाँ पर देखिए यहाँ भी कट गया दो गो। देखिए यहाँ पर होगा ए इंटू के क्यू प्लस बी इंटू के क्यू प्लस सी इंटू के क्यू। देखिए हो गया, देखिए इसमें अब के क्यू और यहाँ के क्यू, तो यहाँ पर के क्यू कॉमन लिए तो यहाँ बचा ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ हम लोग आ गए एल एच एस, अब हम लोग निकालेंगे आर एच एस। तो यहाँ आइए निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं पहले आर एच एस बराबर। देखिए हम लोग क्या चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यू। यहाँ लिखते हैं, देखिए एक्स यहाँ है वाई इतना है जेड इतना है, तो यहाँ लिखते हैं ए के प्लस वाई हम लोग का बी के प्लस जेड हम लोग का सी के बटम। देखिए क्या चाहिए हम लोग का क्यू है, यहाँ क्यू लिख दिए तो देखिए बटम क्या हम लोग का यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगी गाइस, देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ इंटू करना बाकी है, तो यहाँ देखिए ए यहाँ क्यू है, मतलब सब में क्यू हो जाएगा, मतलब ए क्यू इंटू के क्यू प्लस यहाँ पर सेम होगा, मतलब यहाँ होगा बी क्यू प्लस के क्यू प्लस यहाँ पर सेम होगा तो यहाँ होगा, तो यहाँ लिखते हैं सी क्यू इंटू के क्यू। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेम होगा, मतलब देखिए यहाँ स्क्वायर है ना, तो यहाँ होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए यहाँ पर जैसे इसमें काटे थे इसमें वही काटेंगे, तो यहाँ देखिए दो कट गया, यहाँ पर भी दो कट गया, तो यहाँ देखिए यहाँ पर भी दो कट गया सी। देखिए हो गया, और देखिए इसमें ए इंटू के क्यू प्लस बी इंटू के क्यू प्लस सी इंटू के क्यू। देखिए गाइस हो गया, देखिए यहाँ पर के क्यू है, यहाँ पर के क्यू कॉमन लिए तो के क्यू कॉमन लिए तो यहाँ बचा ए प्लस बी प्लस सी। देखिए आ गया हम लोग का आंसर इसमें, देखिए यहाँ पर सेम आया के क्यू प्लस ए प्लस बी, यहाँ पर भी के क्यू प्लस ए प्लस बी यहाँ पर आ गया आंसर। तो यहाँ लिखते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस। देखिए गाइस हम लोग का आ गया आंसर गाइस, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके गाइस।